So hello and welcome people, this is your anchor Ramsha Essa and you guys are watching Mestarlet Entertainment and I'm back here again with another interesting update from the world of television. Khabar hai Big Boss ka season 17 shuru hone se pehle kafi sare naam hai aise jinki atkale lagayi ja rahi hain. Aishwarya Sharma bhi unhi naamon mein se ek hain. Aapko batana chahiye ki Aishwarya Sharma ne hint diya hai is baat ko leke ki Big Boss mein jaane wali jo unki khabrein hain aakhir uske upar unki kya pratikriya hai. Aishwarya Sharma gum hai kisi ke pyar mein kafi zyada unka appearance tha usme as a lead thi. लोगों ने काफी पसंद किया उनको टीवी पर. उसके बाद अभी खतरों के खिलाड़ी में भी उनकी अपीयरेंस है, काफी अच्छे खासे स्टंट्स करते हुए दिखाई नजर आ रही थी हमें ऐश्वर्या शर्मा. उस बात से बिग बॉस के सीजन 17 को लेके उनका नाम आ रहा था, उनके साथ ही उनके हस्बैंड नील भट्ट का भी नाम आ रहा था कि दोनों साथ में ही एंट्री लेने वाले हैं. चूंकि इस बार का जो सीजन है उसका थीम है कपल्स वर्सेस सिंगल, तो कपल्स वर्सेस सिंगल में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा दोनों अगर साथ में जाते हैं तो वो एज एन कपल एंट्री होगी. अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर ऐश्वर्या शर्मा लेती है एंट्री घर के अंदर तो एज एन सिंगल के साइड से प्ले करेंगे गेम को. खैर आपको साथ ही बताना चाहेंगे कि उस पर जो रील उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया है अपने फैंस एंड व्यूअर्स के साथ, उसमें बिग बॉस के ही एक पुराने काफी फेमस आर्ग्यूमेंट की जो ऑडियो क्लिप है उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज किया है उसको अपने एज एन रील के अंदर और उस रील पे किया है मिमिक. तो इससे काफी हद तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या शर्मा की हो रही है तैयारी बिग बॉस के सीजन 17 के घर में जाने की. खैर आपका क्या कुछ कहना है पूरे के पूरे मामले में, आप कितने एक्साइटेड हैं ऐश्वर्या शर्मा को बिग बॉस के सीजन 17 के घर में देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा. साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज और अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को.